ये तीन चीजें इसको बहुत ही आगे बना देती हैं, तो मेरा वोट जाता है। सो गाइस, मैंने सोचा कि ये कंपैरिजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि होगा डिजो वॉच टू स्पोर्ट्स वर्सेस बोट की वॉच एक्सटेंड के लिए। और मैंने सोचा पहले ही बना लेता हूँ, क्योंकि आगे मे बी क्वेरी आ सकती है लोगों की कि एक्सटेंड के साथ एक कंपैरिजन चाहिए। तो एक्सटेंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही है, इसमें आपको अंडर 3000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में इनबिल्ट एलेक्सा का सपोर्ट मिलता है। तो गाइस बहुत अच्छी बात है, डिस्प्ले साइज़ भी इसका बड़ा मिल जाता है आपको। और ऑन द अदर हैंड डिजो की बात करें तो डिजो आज सेल पे जाने वाली है, आप इसको ग्रैब कर सकते हो। और नोटिफिकेशन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और गाइज एक चीज़ और, आप शॉपसी एप्लीकेशन से बुक करिएगा ताकि आपको अपनी परचेज पे कैशबैक मिल सके। मैं भी शॉपसी से बुक करने वाला हूँ और इसका अनबॉक्सिंग डीप डाउन रिव्यू आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। और मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आकर शॉपसी इंस्टॉल करो, आप 50 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा, अपने फर्स्ट ऑर्डर में ऐड कर सकते हो। जैसे ही उस ऑर्डर की रिटर्न पॉलिसी खत्म होती है, आप अपने अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर सकते हो। मैं डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाऊँगा आप सभी के लिए, अगर आपको चाहिए तो कैसे आप अकाउंट बना सकते हो, कैसे क्या, क्योंकि मैं ऑप्शंस कट कट करके डाल चुका हूँ ऑलरेडी, मतलब वीडियो शॉर्ट वीडियो डाल चुका हूँ कि कैसे आप शॉपसी पे अकाउंट बना सकते हो, कैसे आप ट्रांसफर कर सकते हो अमाउंट, तो वो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो इस कंपैरिजन को हम स्टार्ट करते हैं। चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले डिस्प्ले की बात करते हैं, तो डिस्प्ले ऑलमोस्ट सिमिलर है, LCD पैनल मिलता है एक्सटेंड में आपको। स्पोर्ट्स में अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं 240x280 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन, बट अगर ज़्यादा होगा तो और भी बेटर होगा। यहाँ पे हाई रिफ्रेश रेट मिलता है ये बताया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे डिस्प्ले का जो मतलब डेडिकेटेड जो पिक्सल साइज है वो डेफिनेटली बेटर होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू एक्सटेंड। तो यहाँ पे अभी तो मैं कन्फर्म नहीं कर सकता, अभी हम यही मान के चलेंगे 240x280 पिक्सल्स का ही रिजोल्यूशन है। रेस टू वेक दोनों में मिल जाता है, बट यहाँ पे ऑलवेज ऑन का फीचर नहीं मिलता। कुछ टाइम के लिए आप रेस कर सकते हो डिस्प्ले को, मतलब वेक कर सकते हो, करीब 8 से 10 सेकंड तक का होता है वो हर एक वॉच में कहीं ना कहीं। कर्व डिस्प्ले मिलती है 2.5D, और कोई ना कोई स्क्रैच रेजिस्टेंट ग्लास भी यूज़ करती है कंपनी। यहाँ पे पर पिक्सल डेंसिटी यहाँ पे अच्छी मिल जाती है, 326 पिक्सल पर इंच की डेंसिटी मिल जाती है आपको। 600 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स में, यस ये बहुत अच्छी बात है। एक्सटेंड यहाँ पे बहुत पीछे रह जाती है, क्योंकि मैंने डिजो वॉच 2 का अनबॉक्सिंग डीप डाउन रिव्यू एक्यूरेसी टेस्ट किया था, तो उसमें भी आपको 600 निट्स की ब्राइटनेस मिलती थी। सनलाइट विजिबिलिटी उसकी बहुत अच्छी थी, बट कहीं ना कहीं उसमें जो शार्पनेस थी उतनी नहीं थी, तो मे बी इसमें रिजॉल्व कर दिया गया हो। मैंने इसका एक प्रीव्यू बना दिया है, लॉन्ग मतलब कह सकते हो आप लॉन्ग प्रीव्यू बना रखा है डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स के लिए, आप देख सकते हो जाके चैनल पे। अगर हम बात करें आगे तो यहाँ पे वॉच फेस की, तो क्लाउड बेस वॉच फेस आप दोनों में ही लगा सकते हो, और गैलरी में से कोई भी इमेज को एज अ वॉच फेस आप लगा पाओगे, अपनी पिक को एज अ वॉच फेस आप लगा सकते हो। डेडिकेटेड जो आपको वॉच फेस मिलते हैं, हंड्रेड्स ऑफ वॉच फेस तो मिल ही जाते हैं आपको। उसी के साथ साथ यहाँ पे फिटनेस ट्रैकिंग की बात मैं करूँ तो यहाँ पे स्पोर्ट्स बहुत आगे निकल जाती है, 110 स्पोर्ट्स में मिलते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बनी हुई है डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स। यहाँ पे एक्सटेंड बहुत पीछे रह जाती है, 14 ही स्पोर्ट्स में मिलते हैं, बट यहाँ पे 5 ATM की रेटिंग आपको दोनों में ही मिल जाती है, 50 मीटर अप टू 30 मीटर तक डीप स्विमिंग के लिए बनी है। डेडिकेटेड स्विम मोड मिल जाता है आपको इसमें, ओपन स्विमिंग पूल स्विमिंग का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आप इसको पहन के, दोनों ही वॉचेस को पहन के शार्प भी ले सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। आगे बात आती है यहाँ पे एक्यूरेसी लेवल की, तो यहाँ पे 85% तक एक्यूरेसी दोनों में ही देखने को मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ सेंसर्स की बात मैं करूँ तो एक्सेलेरोमीटर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, जायस्कोप सेंसर का ऑप्शन मिल जाता है। डेडिकेटेड सेंसर आपको दोनों में मिल जाते हैं, SPO2 के लिए आपका रेड एक्सेंट का, HR के लिए ग्रीन एक्सेंट का सेंसर मिल जाता है। तो यहाँ पे फिटनेस ट्रैकिंग में बात करूँ तो दोनों ही अच्छा परफॉर्म करती है, बेटर परफॉर्म करती है, बट यहाँ पे स्पोर्ट्स थोड़ी आगे निकल जाती है, 110 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं आपको इसमें, इसीलिए ये बहुत आगे है एक्सटेंड से। आगे बात आती है यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो, रिप्लाई बैक का ऑप्शन आपको स्पोर्ट्स में मिल जाता है, यस आपने सही सुना, क्विक रिप्लाई का ऑप्शन मिलेगा आपको डिजो वॉच में, क्योंकि वहाँ पे दिया गया है डिस्क्रिप्शन पेज पे, तो डेफिनेटली होना चाहिए। एक्सटेंड की बात मैं करूँ तो यहाँ पे वाइब्रेशन अलर्ट्स मिलने वाले हैं, कॉलर आईडी कॉल को कट म्यूट कर पाओगे, दैट्स इट। उसी के साथ साथ फुल टच पैनल है दोनों का, स्मूथ है, स्टटर लैग बहुत ही कम देखने को मिलेगा आपको स्पोर्ट्स में, एक्सटेंड में थोड़ा सा लैग करती है वॉच ये, तो ये थोड़ा सा फ्लॉ लगा मेरे को। बहुत से लोगों ने इशू रेज किया था और बहुत सारे रिव्यूज़ को भी ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ मैं, तो वहाँ पे लोगों ने बोला कि एक्सटेंड थोड़ी सी लैग करती है एज़ कम्पेयर टू स्पोर्ट्स, मतलब डिजो वॉच 2 तो हैंग नहीं करती थी इतना, और डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स भी डेफिनेटली हैंग नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड डिस्प्ले मिलती है इसमें आपको, अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, काउंटर टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, ये बेसिक चीज़ें मिल जाती हैं दोनों में ही। ब्लूटूथ वर्जन की बात हम करें तो यहाँ पे 5.0 मिल जाता है दोनों में ही, और रिफाइंड माई फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन भी दोनों में देखने को मिल जाता है। एक्सटेंड थोड़ी सी आगे, यहाँ पे एलेक्सा बिल्टिन का सपोर्ट मिलता है, माइक का सपोर्ट मिलता है, बट यहाँ पे स्पीकर का सपोर्ट होता तो यहाँ पे कॉलिंग वॉच बन सकती थी, बट अभी बोट की आने वाली है बहुत जल्दी कॉलिंग वॉच, आप स्टिक रहेगा, मैं जरूर उसका एक प्रीव्यू लेके आऊँगा आप सभी के लिए। आगे बात आती है एंड्रॉइड या iOS से आप पेयर कर सकते हो दोनों ही वॉचेस को, और आई गेस एक्सटेंड के लिए आपका बोट वेरिएबल्स एप्लीकेशन होगी, और डिजो के लिए डिजो एप्लीकेशन तो है ही है। बात आती है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की, तो यहाँ पे हार्डवेयर ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलता है, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं दोनों में अलग अलग काम किया गया है, एक लिस्ट एक ग्रिड वाला मेन्यू मिल जाता है, सिंगल बटन कंट्रोल दोनों मिलता है, और गेस्चर्स का भी आप यूज़ कर सकते हो, अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए।
अब बात आती है यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी की, तो स्पोर्ट्स में आपको 260 mAh बैटरी का यूज़ किया गया, एक्सटेंड में 300 mAh का बैटरी का यूज़ किया गया होगा, और 30 डेज़ का स्टैंड बाय टाइम आपको प्रोवाइड करती है एक्सटेंड, स्पोर्ट्स 20 डेज़ का स्टैंड बाय टाइम प्रोवाइड करती है, और 2 घंटे दोनों ही वॉचेस फुल चार्जर में ले लेती हैं। अगर हम बात करें रन टाइम की, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स में 10 दिन का रन टाइम क्लेम किया गया ऑन द पेपर, और एक्सटेंड में 12 दिन का रन टाइम क्लेम किया गया। और आगे बात आती है यहाँ पे मैग्नेटिकली चार्ज कर सकते हो दोनों ही वॉचेस को, तो ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। बट यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ आपसे, अगर आप किसी वॉच को अपनी स्मार्ट वॉच को चार्ज कर रहे हो, तो 18 से 20 वॉट का चार्जर इनफ है। वूक चार्जिंग या मतलब सुपरफास्ट चार्जर का यूज़ मत करें, क्योंकि वॉच खराब हो सकती है। एक वीडियो डेडिकेटेड लेके आने वाला हूँ इसके ऊपर, क्योंकि मेरी एक वॉच खराब हो गई है फास्ट चार्जिंग यूज़ करने से, तो वो आपके साथ ना हो। आगे बात आती है यहाँ पे एक्चुअल यूज़ की, तो सारे के सारे नोटिफिकेशन कट डाउन करके आपको 6 से 8 दिन का बैटरी लाइफ मिल जाएगा दोनों ही वॉचेस में अकॉर्डिंग टू योर यूजेस। उसी के साथ साथ अगर आपने सब कुछ ऑन कर रखा है, आप HR भी ऑन कर रखा है, SPO2 लेवल भी ट्रैक कर रहे हो, उसी के साथ साथ स्टेप्स काउंट भी हो रहे हैं, नोटिफिकेशन एक्सेस ले रहे हो सब, तो यहाँ पे 5 से 6 दिन चल सकती है दोनों ही वॉचेस। अब बात आती है मेन फीचर्स की, तो HR मॉनिटर दोनों मिल जाता है 24/7, SPO2 लेवल मॉनिटर का ऑप्शन मिलता है एक्सटेंड में, स्ट्रेस मॉनिटर का ऑप्शन भी एक्स्ट्रा अवेलेबल है, स्लीप ट्रैकिंग कर सकते हो दोनों में ही, कैलोरी बर्न स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन है, एक्यूरेसी बता चुका हूं ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिलती है, सेडेंटरी रिमाइंडर मिल जाता है दोनों में ही, और गाइस ब्रीथ रिलैक्स मोड भी आपको दोनों में ही देखने को मिल जाता है, तो मेन फीचर्स के मामले में दोनों ही अच्छा काम करती है। अब बात आती है बिल्ड क्वालिटी, तो बिल्ड क्वालिटी में स्पोर्ट्स थोड़ी सी आगे है, क्योंकि यहाँ पे जो डिजो वॉच 2 थी वो स्टेनलेस स्टील की बिल्ड थी, अब यहाँ पे डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स में 20% लाइट किया गया, इसको ऐसा नहीं है कि यहाँ से एल्युमिनियम या मतलब मेटल हटा दिया गया, यहाँ पे थोड़ा लाइट किया गया, और यहाँ पे प्रीमियम फील आपको वही मिलने वाला है एज इट इज, एक्सटेंड थोड़ी सी यहाँ पे पॉलीकार्बेट की बिल्ड है, फंकी कलर्स में आती है, तो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि स्पोर्ट्स ज्यादा प्रीमियम फील होती है इन हैंड भी, और लुक वाइज ज्यादा आपकी प्रीमियम फील होती है स्पोर्ट्स, और वॉच का जो वेट है एक्सटेंड का वो स्लाइटली ज्यादा है एज कम्पेयर टू स्पोर्ट्स, थोड़ी सी हल्की भी करी गई, जैसे मैंने आपको बताया 20% लाइटर है और पुराने वाले वर्जन से, तो डेफिनेटली यहाँ पे स्पोर्ट्स में अपग्रेड तो किया गया है। आगे बात आती है 22mm स्ट्रैप साइज, तो आफ्टर मार्केट का भी आप चूज ऑन कर पाओगे दोनों में ही, उसी के साथ साथ सिलिकन स्ट्रैप की क्वालिटी मिलती है, तो स्किन फ्रेंडली मेटल का यूज़ किया गया दोनों ही वॉचेस में। अब बात करें यहाँ पे वॉच डायल मेटल का मिलता है स्पोर्ट्स में, और एक्सटेंड में वॉच डायल और बेस दोनों ही पॉलीकार्बेट है, तो यहाँ पे एज ले आती है हमारी डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स। आगे बात आती है यहाँ पे प्राइसिंग की, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स जो इसका प्राइसिंग रह सकता है 2499 rupees रह सकता है, मेरे को ऐसा बहुत ज़्यादा गट फीलिंग आ रही है। एक्सटेंड की बात हम करें तो यहाँ पे 2999 rupees के प्राइस ब्रैकेट में मिलती है, वैसे सेल वेल पे 2499 rupees में चली जाती है, अभी हाल फिलहाल में गई थी, वैसे लाइटनिंग डील पे भी चली जाती है, तो आप इसको ग्रैब ऑन कर सकते हो। यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात हम करें तो यहाँ पे 2499 में जा सकती है, बट अगर इससे ऊपर जाती है तो थोड़ा सा मेरे को इशू रहेगा, क्योंकि 3000 की प्राइस ब्रैकेट में मैं रिकमेंड नहीं करता डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स को। स्पोर्ट्स कोड आई नो ज़्यादा है, बट इसका जो प्राइस है 2500 इनफ है। आप क्या बोलते हो आप मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो गाइज आज ही सेल पे जाने वाली, आप इसको ग्रैब ऑन कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो ओवरऑल यहाँ पे स्पोर्ट्स आगे निकल के आती है, क्योंकि स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स मोड बहुत सारे हैं, 110 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं, क्विक रिप्लाई का ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल जाता है, और डिस्प्ले की फ्लुइडिटी बेटर मिल जाती है एक्सटेंड से, तो ये 3 चीज़ें इसको बहुत ही आगे बना देती हैं और एक्सटेंड को पीछे कर देती हैं यहाँ पे। तो मेरा वोट जाता है डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स के लिए। और सिंपल सी बात है, अगर आपने शॉपसी से बाय नहीं किया है प्रोडक्ट्स को, तो आप बाय करना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी परचेज पे कैशबैक मिल जाता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर इंस्टॉल करो 50 rupees का कैशबैक, साथ में उसको ऐड कर सकते हो अपने नेक्स्ट ऑर्डर पे, ताकि आप उसको एक हफ्ते बाद जब आपका रिटर्न पीरियड खत्म हो जाए तो आप निकाल सको अकाउंट से। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।